इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि साल 1528 में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मस्जिद मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के सम्मान में बनाई थी, जिसकी वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। आज हम आपको बता रहे हैं राम मंदिर से जुड़ी सभी खास बातें। तारीखों में अयोध्या विवाद। 1853 हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिस्सा हुई। 1959 अंग्रेज सरकार ने तारों की एक बार खाड़ी करके विवादित भूमि के अतिरिक्त और बाहरी परिसर में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाज़त दे दी। 1885 अयोध्या मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर के निर्माण की इजाज़त के लिए अपील दायर की। 23 दिसंबर 1949 भगवान राम की मूर्तियां इस विवादित मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं को कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमान ने आरोप लगाया कि यहां पर किसी ने मूर्तियां रखी हैं। 16 जनवरी 1950 गोपाल सिंह विसादर ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर करके रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाज़त मांगी। उन्होंने वहां से मूर्ति हटाने पर न्यायिक रोग की मांग की। 5 दिसंबर 1950 महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद की राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा नाम दे दिया गया। 17 दिसंबर 1959 निमोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश सुन्नी वफ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 1984 विश्व हिंदू परिषद BHP ने बाबरी मस्जिद के तले खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए समिति का गठन किया गया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दे दी। तले दोबारा खोले गए नाराज मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। 1 जुलाई 1989 भगवान राम लला विराजमान नाम से पहचाना मुकदमा दाखिल किया गया। 9 नवंबर 1989 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नज़दीक शिलान्यास की अनुमति दी। 15 दिसंबर 1990 BJP अध्यक्ष लाल कृष्णा आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इसके बाद कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए। 9 नवंबर 1990 BJP अध्यक्ष लाल कृष्णा आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। BJP ने तत्कालीन प्रधानमंत्री BPC सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सिंह के लेफ्ट संगठन और BJP के समर्थन में सरकार बनाई थी। BJP के समर्थन वापस लेने के बाद BPC ने इस्तीफा दे दिया। 1 अक्टूबर 1991 उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि की अपने अधिकार में ले लिया। 6 दिसंबर 1992 हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी ढांचा गिरा दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुई। जल्दीबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। प्रधानमंत्री BP नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनः निर्माण का वादा किया। 6 दिसंबर 1992 ढांचे की तोड़फोड़ की जिम्मेदारी स्थितियों की जांच के लिए MS सिलिब्रहण आयोग का गठन हुआ। जनवरी 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों की बातचीत करना था।
अप्रैल 2002 अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। मार्च अगस्त 2003 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदवाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने का प्रमाण मिला है। मुस्लिम में इसे लेकर अलग अलग मत थे। जुलाई 2005 संगीत इस्लामी आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी एक जीप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। जुलाई 2009 लिब्रोन आयोग ने गठन के 17 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 28 सितंबर 2010 सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाले याचिका खारिज करते हुए फैसले का रास्ता साफ कर दिया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नखनौल की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके तहत विवादित जमीन को 3 हिस्से में बांट दिया गया। इसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्त बोर्ड और तीसरा हिस्सा निमोही अखाड़े को मिला। 9 मार्च 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक दी। 9 मई 1911 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट के कथित तौर पर बाबरी मस्जिद गिराने के लिए उकसाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 7 नेताओं के खिलाफ आपराधिक के केस चलाने का आदेश दिया। 5 दिसंबर 2017 सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई एक बार फिर शुरू हुई। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार नई तारीख दे चुका है। आगामी 19 अक्टूबर से एक बार फिर सुनवाई शुरू होगी। अयोध्या मामले में कुल 19,000 दस्तावेजें हैं। इन तमाम दस्तावेजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है। साथ ही अदालती बहस की कॉपी पेश की गई है। दीवानी मामले की सुनवाई में ये दस्तावेजें और प्लेडिंग अहम होते हैं। जब मामले की सुनवाई शुरू होगी तो एक एक पक्षकार अपना पक्ष रखना शुरू करेंगे। इस दौरान मुस्लिम पक्षकारों के स्टैंड भी अहम होगा, क्योंकि पिछले साल 5 दिसंबर को जब सुनवाई शुरू हुई तब उनकी ओर से पेश वकील काफिल सिब्बल ने ये दलील दी थी कि भी आम जमीन विवाद नहीं बल्कि बेहद अहम मामला है और भारतीय राजनीति पर असर रखता है। बीजेपी की घोषणा अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात है।